नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम बात करेंगे साइबर अटैक सिस्टम के बारे में दोस्तों। और मुझे आज बताते हुए आपको खुशी हो रही है दोस्तों कि 185 रुपीस का जो रेजिस्टेंस लेवल था, जो लास्ट टाइम स्टॉक ने जब हमने जब इसको परचेस किया था और फिर ये यहाँ पे बहुत ही हमें 3 वीक के अंदर रिटर्न दिया था। और दोस्तों उसके बाद स्टॉक नीचे हुआ, कंसोलिडेट हुआ, मैंने 2-3 बार जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी वो भी बताई थी। और आज स्टॉक ने दोस्तों फाइनली जो लेवल था 185 लेवल का, उसको बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ दोस्तों ब्रेक कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम है दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर। आपको दिख रहा है चार्ट के ऊपर जिंदगी का सबसे बड़ा वॉल्यूम है दोस्तों। तो अब आगे इसमें ये स्टॉक में क्या रणनीति होनी चाहिए। और दोस्तों जैसे ही मैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए करता हूं कि 185 का दोस्तों मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल तब दिया था जब स्टॉक ने 90 रुपीज़ का ब्रेकआउट दिया था, 93 रुपीज़ का, तब जब ने हमने एंट्री ली थी दोस्तों, तब हमने ये आपको रेकमेंड किया था कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल जो है वो मैं पहले से देता हूँ। अब 293 का दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको दे रहा हूँ। तब तक कोई बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर दिख नहीं रहा है दोस्तों। ये जो दो ट्रेंड लाइन है दोस्तों वो पुराने टाइम की है, जहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक ने मूवमेंट अच्छा दिया है, आपको चार्ट के ऊपर दिख रहा है। बट अभी जो डिस्कस करना है, ये जो लाइन है उसके ऊपर स्टॉक क्लोज आया है। अब आगे क्या रणनीति है उसके ऊपर दोस्तों डिस्कस करते हैं साइबर टेक के ऊपर दोस्तों। साइबर टेक दोस्तों डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनी है। अगर कंपनी की अच्छी बातें याद करें तो साइबर टेक इज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 58.61% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट दोस्तों। ये स्टॉक आपको याद होगा कि ये स्टॉक में आपको 25 से 30 रुपीस के अंदर मिल रहा था, फिर 90 रुपीस आया, जब ब्रेकआउट आया तब हमने एंट्री ली और ये स्टॉक ने बेहतरीन रिटर्न दिया है दोस्तों। कंपनी हैज डिलीवर पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 10.07 ओवर लास्ट 5 ईयर और टैक्स रेट सिम्स लो है दोस्तों। अब अगर बात करें उसके जो पीयर्स है उसके सामने दोस्तों, आप वैल्यूएशन देख लो कि ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस जिसका 19 का पी है, बाकी साइबरटेक सिस्टम का भी 22 का पी है। यानी कि दोस्तों स्टॉक सस्ता है। आपको पता है कि सस्ता स्टॉक होता है उसमें आपका रिस्क लो रहता है और प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होता है। आपने मेरी चैनल पे ऊपर देखा होगा कि मैं आपको लेवल्स देता हूँ जहाँ पे आपको लो रिस्क होता है और प्रॉफिट हाई होता है। अगर हमारा ट्रेड गलत हो जाता है तो हमारा रिस्क काफ़ी कम रहता है दोस्तों। परसिस्टेंस सिस्टम का 52 का है। हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों 135.53 है दोस्तों। यहाँ पे भी हमने बहुत ही पैसा बनाया है हैप्पीएस्ट माइंड्स में। आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि बहुत पैसा बनाया दोस्तों। अभी जमाना है दोस्तों आईटी का, मिड कैप आईटी स्टॉक दोस्तों जबरदस्त पैसा बना रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप आईटी स्टॉक। और दोस्तों अगर इसकी मार्केट कैप की बात की जाए तो 540.70 है दोस्तों। इन लोगों इन सब के मुकाबले मार्केट कैप बहुत ही सस्ता है, बट कंपनी दोस्तों डिविडेंड भी कंसिस्टेंटली दे रही है। अब आगे हम चलते हैं उसके फंडामेंटल्स के ऊपर दोस्तों। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है 2020 से लेके 2021 का। आप देख सकते हैं कि स्टडी बिजनेस कंपनी ने दिया है, कुछ ज़्यादा ग्रोथ भी हमें नहीं दिख रहा है। आप अगर 10 साल के अंदर बात करो तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2-2.5% ही हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है दोस्तों। तो उसकी की बदौलत है दोस्तों कि स्टॉक में इतना ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आया था। इवन अब 2018 तक तो इतना कुछ मूवमेंट नहीं था, बट जब कोरोना का आया काल और उसके बाद जो स्टॉक में अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की है और मार्केट में भी बुलिशनेस है। पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमें यहाँ पे, और नेट प्रॉफिट भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया आया है। 30 का 24 हो चुका है क्योंकि जो वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो हुआ और आईटी का जो सेगमेंट था उसमें काफ़ी बढ़िया दोस्तों मॉडल चेंजेस हुआ है। आप देख सकते हैं ईपीएस में जो ग्रोथ हुआ है वो इसकी वजह से ही स्टॉक का प्राइस में अच्छा है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो दोस्तों प्रमोटर का शेयर होल्डिंग है वो थोड़ा सा कम हुआ है, बट वो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट वो बिंग प्रमोटर भी कर सकते हैं। और पब्लिक के पास अगर बात करें तो सेम कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए है दोस्तों। अब NSE के प्राइस के ऊपर आप देख सकते हैं कि दोस्तों 196 का अभी का प्राइस है दोस्तों, और डिलीवरी क्वांटिटी ट्रेडेड है वो 25,96,229 है और डिलीवरी क्वांटिटी वो 7,38,494 है। तो 28.44% का दोस्तों डिलीवरी क्वांटिटी हुआ है। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो 28.4% जुलाई में, 16 जुलाई का था,
27.6% 15 जुलाई है, 39.0% 14 जुलाई को था, यानी कि इसी के आसपास दोस्तों डिलीवरी क्वांटिटी हुआ है। तो अभी ब्रेकआउट हमें मिल चुका है वीकली चार्ट के ऊपर, और आप डिलीवरी लंबे अवधि में देखोगे तो थोड़ा सा कम हुआ है दोस्तों। अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके ऊपर दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि 185 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें रखना है, और जितना नीचे मिले उतना हमें बाय करना है दोस्तों। 195 पे आपका 10 रुपये का रिस्क रहेगा, अगर 190 के आसपास आता है तो फिर खरीद सकते हैं। अगर इसके ऊपर ही दोस्तों आता है, 208 के आसपास ही ओपन होता है, तो हम वहीं से ही बाय करेंगे दोस्तों। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है उस हिसाब से आप इस ट्रेड को ले सकते हैं। स्टॉक में फंडामेंटली कोई खराबी नहीं है। अगर मार्केट में कोई बड़ा मेजर करेक्शन आ जाता है और स्टॉक आपको लेवल के आसपास मिलता है तो आप इसमें बने रह सकते हैं, और लंबी अवधि में ये स्टॉक आपको अच्छा निवेश दे सकता है। तो ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक कर सकते हैं, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।